नमस्कार बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बड़ी मस्त से चल रही होंगी बच्चों आज हम चर्चा करते हैं यूनिट फोर रासायनिक बल गति की और यूनिट फाइव सदर रसायन के एम के बारे में इससे पहले हमने तीन लेक्चर पढ़े हैं एम के सोलिड स्टेट के भी पढ़े हैं विलियन के और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैनल पर जाइएगा और वीडियो देखिएगा चलिए प्ले में देखना है ना वीडियो सारे प्ले में पड़े हुए हैं यूनिट फोर रासायनिक बल गति की आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने रिएक्शन है ये एन टू ओ फाइव से बन रहा है एन टू ओ फोर प्लस ओ टू ये वाली रिएक्शन किस टाइप की है बाई मालूकुलर द्वि अणुक द्वितीय कोटि की है एक अणु के एवं प्रथम कोटि की है या फिर द्वि को और प्रथम कोटि की है या फिर एक अणु एवं प्रथम कोटि की है कौन सी रिएक्शन है साथियों ये वाली जो रिएक्शन है ये किस टाइप की रिएक्शन है जल्दी से बताइए एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इस वाली रिएक्शन में जो अभिक्रिया की दर जो होती है वो कितने अणुओं का साधारण वास्तविकता में क्रिया में परिवर्तित हो रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है और जो रिएक्शन से जो होती है आणविकता आणविकता में मतलब ये है कि कितने अणु क्रिया में वास्तविकता में भाग ले रहे हैं तो यहाँ पर ये कह सकते हैं ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आपको दिख तो यहाँ पे दो दो अणु दिख रहे तो हो गई द्विअणुक और रिएक्शन कौन सी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसको जो लिखेंगे अपन द्विअणुक एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे द्विअणुक और प्रथम कोटि की अभिक्रिया इनके सभी के अपने को एग्जाम्पल याद करने रहते हैं प्रथम कोटि द्वितीय कोटि तृतीय कोटि और शून्य कोटि के ठीक है शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता में कोई चेंज नहीं होता है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये खासियत होती है कि, कि वो किसी न किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होती है आगे बात करें निम्नलिखित में से शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यह शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है आगे बात करें किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्रिया की दर बढ़ा अधिक बढ़ जाने का कारण क्या है किसी अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपन तो क्या होगा टक्करों की प्रभावी संख्या बढ़ जाती है जितना टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मालिक्यूल के बीच में टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आपकी बढ़ जाएगी चलिए इसका पहला वाला सही है चौथा वाला किसी अभिक्रिया का वेग किसी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों क्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर नहीं रहता है अतः अभिक्रिया है कौन सी कोटि जिसमें क्रियाकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड नहीं करता भैया अभी बताया था किसी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो उसे कहेंगे अपन शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे नेक्स्ट है आपके सामने हाजिर पांचवा क्वेश्चन टंगस्टन पर फास्फीन है ना टंगस्टन पर फास्फिन की क्रिया करवा फास्फिन का न्यून न्यूनता पर अवगणन पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि क्योंकि इसमें क्या होता है ये रिएक्शन करवाते हैं तो वेग पृष्ठ के घेराव के समानुपाती होता है वेग पृष्ठ के घेराव के समानुपाति होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आजीव छठवा की अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता दोगुनी करने पर अर्ध आयु हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया में शून्य कोटि की अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता दोगुनी करने पर अर्ध आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा अर्ध आयु अर्ध आयु हो जाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता दोगुनी कर दो तो अर्ध आयु काल भी क्या हो जाएगा दो गुना हो जाएगा अर्धायु दो गुनी हो जाएगी नेक्स्ट है प्रकाश संवेदी उस पदार्थ को कहा जाता है प्रकाश संवेदी उस पदार्थ को कहा जाता है नंबर एक प्रकाश रासायनिक क्रिया को रोक दे प्रकाश रासायनिक क्रिया को शुरू कर दे प्रकाश रासायनिक क्रिया, क्रिया के वेग को बढ़ा दे प्रकाश रासायनिक क्रिया के वेग को कम कर दे तो प्रकाश संवेदी वे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश रासायनिक क्रिया को शुरू कर दे प्रकाश रासायनिक क्रिया को शुरू कर दे उनको प्रकाश संवेदिक कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है भैया तो ये डिपेंड करता है अभिकारकों की सांद्रता पर उत्पादों की सांद्रता पर समय पर या ताप पर यहाँ लिखा है विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक निर्भर करता है विशिष्ट अभिक्रिया स्थिरांक जो निर्भर करेगा वो निर्भर करेगा बेटा टेम्परेचर पर ताप पर ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो किसी अणु के ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो किसी अणु के लिए अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक है कहलाती है अभिक्रिया की न्यूनतम मात्रा जो किसी अणु के किसी अणु के लिए अभी ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो किसी अणु के लिए अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक होती है कहलाती है क्या कहलाती है स्थिति ऊर्जा कहलाती है गतिज ऊर्जा कहलाती है नाभिकी ऊर्जा कहलाती है सक्रिय ऊर्जा तो उसको कहते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी ये आवश्यक होती है उच्च कोटि की अभिक्रिया मतलब यहाँ लिखा उच्च कोटि की अभिक्रिया ग्रेटर देन थ्री मतलब तीन से ज़्यादा जैसे चतुर्थ कोटि पंचम कोटि इस टाइप की अभिक्रिया नहीं होती है क्यों नहीं होती है क्यों क्योंकि तीन से ज़्यादा मालिकूल के एक तीन से ज़्यादा मालिकूल तीन से तीन मालिकूल एक साथ टकराने की संभावना तीन से ज़्यादा मालिकूल के एक साथ टकराने की संभावना लगभग नगण्य होती है इसलिए उच्च कोटि की अभिक्रियाएँ ज्ञात है, नहीं हैं कहाँ तक ज्ञात है तृतीय कोटि की अभिक्रिया तक ज्ञात हैं तो ये आ जाएगा उच्च कोटि की अभिक्रियाएँ मतलब ग्रेटर देन थ्री दुर्लभ है क्योंकि कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें क्योंकि क्रिया में सभी प्रजातियों के साथ टक्कर की संभावनाएं क्या हो जाती है कम हो जाती है अभी क्रिया में सभी प्रजातियों के मतलब अधिक अणुओं के एक साथ टकराने की संभावना क्या हो जाती है कम हो जाती हैं चलिए ये चौथी यूनिट के अब पढ़ रहे हैं अपन पाँचवीं यूनिट के एम फिफ्थ यूनिट के एम दोनों साथ में पढ़ लेते हैं बात करें हम फिफ्थ यूनिट के एम की पहला एम आपके सामने हाजिर है तापमान घटाने पर दाब बढ़ाने से वायु का है ना पदार्थ पर अधिशोषण वायु का पदार्थ पर अधिशोषण क्या होता है वायु का पदार्थ पर अधिशोषण तापमान बढ़ा रहे तापमान घटाने पर दाब बढ़ाने से वायु का वायु का घनत्व वायु का डेंसिटी या घनत्व जो भी है तो पदार्थ पर अधिशोषण क्या होता है घटता है बढ़ता है प्रारंभ में घटता है बाद में बढ़ता है मतलब टेम्परेचर गढ़ाएंगे और दाब बढ़ाएंगे तो हमेशा ये होगा कि घनत्व क्या होगा बढ़ेगा पदार्थ का अधिशोषण क्या होता जाता है बढ़ता जाता है तो अधिशोषण बढ़ेगा कुल मिला के है ना वायु का पदार्थ पर अधिशोषण बढ़ता है नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पायस है पायस के लिए एग्जाम्पल है मक्खन है दूध हैं आइसक्रीम हैं या बादल हैं तो दूध जो है वो क्या है इसको कहते हैं पायस कौन सा पायस है और ये जल में तेल है जल में तेल का पायस कहते हैं दूध को जल में तेल का पायस पायस है ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण से प्राप्त कोलाइड को कहते हैं ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण से प्राप्त कोलाइड को क्या कहते हैं ठोस पदार्थ में किसी द्रव के परिक्षेपण ठोस पदार्थ है और उसमें कोई द्रव डाला जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे कोई सॉलिड है उसमें धीरे धीरे अपन द्रव मिलाते जा रहे हैं तो वो बन जाएगा भैया जेल तो उसको कहते हैं जेल क्या कहते हैं जेल तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा मक्खन क्या है एक जेल है एक पायस है एक साल है कोलाइड का प्रारूपी रूप है मक्खन को क्या कहेंगे तो मक्खन एक जेल है मक्खन एक जेल टाइप है निम्नलिखित में कौन सा नहीं नहीं, द्रव स्नेही कोलाइड है द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइडों के एग्जाम्पल दिए हुए थे कौन इसमें जो है द्रव स्नेही कोलाइड है द्रव स्नेही जो द्रव के प्रति स्नेह रखता है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है जिलेटिन है सल्फर है कार्बन है क्या है तो जिलेटिन जो है द्रव स्नेही कोलाइड है बाकी सभी जो है इनको द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं तो जिलेटिन है इसका ऑप्शन सही होगा ए किसी आयन की कोलाइड को स्कंदित करने की क्षमता स्कंदन कर, स्कंदन करने की क्षमता है ना स्कंदन करना मतलब जो कोलाइडी पार्टिकल है उनको बिठा देना ठीक है आयन के कारण ये क्या झुंड बना देंगे और झुंड बनाने बना के नीचे बैठ जाएंगे इसको कहते हैं अपन स्कंदन क्या कह रहे हैं अपन इसको स्कंदन तो किसी आयन की कोलाइड को स्कंदन करने की क्षमता निर्भर करती हैं किसके ऊपर डिपेंड करती हैं तो ये डिपेंड करती हैं आयनों की संख्या आवेश की मात्रा और जो चिन्ह होते हैं उनके ऊपर दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं जैसे एल थ्री प्लस की स्कंदन क्षमता ज़्यादा होगी फिर बी टू प्लस फिर जो है एन ए प्लस तो जितना आवेश ज्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही क्या होगी ज्यादा होगी तो आवेश की मात्रा और चिन्ह दोनों के ऊपर डिपेंड करती है ना इस पर उपस्थित आवेश की मात्रा के ऊपर कौन सा चिन्ह है धनावेश ऋण आवेश दोनों हो सकते हैं चलिए तो इनकी जो धनावेश वाले होते हैं उनको ऋणावेशित कोलाइडी पार्टिकलों को स्कंदन करने की क्षमता रहती है और ऋणावेशित जो होते हैं उनको धनावेशित क्वालिटी पार्ट पार्टिकल को स्कंदन करने की क्षमता रहती है किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है क्या है भैया किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को कम करता है क्रिया की दर को बढ़ाता है ए और बी दोनों क्या हो सकते हैं इसका आंसर उत्प्रेरक क्या करता है किसी अभिक्रिया का उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है कम करता है जो एक्टिवेशन एनर्जी जो लगती है उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए तो उसका मार्ग छोटा हो जाता है उत्प्रेरक के कारण तो जल्दी रिएक्शन हो जाती है आसानी से उत्प्रेरक के कारण ये उत्प्रेरक के कारण जल्दी रिएक्शन होती है तो ये पहला वाला पॉइंट जो है सही होगा जल में साबुन सॉल के कोलाइडी कण है जल में साबुन साल के कोलाइडी कण है क्या है उदासीन है ऋणावेशित तो है धनावेशित है, है या गैर अनुमानित है क्या कह सकते हैं इसको तो जल में साबुन वो जो कोलाइडी कोलाइडी कण है वो क्या होते हैं ऋणावेश होते हैं कौन से पार्टिकल होते हैं वो ऋणावेश होते हैं आर सी डबल ओ माइनस साबुन साल के कण क्या है ऋणावेशित है शीस कक्ष प्रक्रम में निम्न उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है शीस कक्ष सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि है शीस कक्ष विधि और संपर्क कक्ष विधि उसमें शीस कक्ष प्रक्रम में निम्न उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड कौन उपयुक्त तो होते हैं नाइट्रोजन की ऑक्साइड और इन्हीं के कारण ये जो है टिपिकल मेथड है शुद्ध अवस्था में सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं प्राप्त होता है ये गैसीय अवस्था में उत्प्रेरक लिया जाता इसलिए। है इसलिए नेक्स्ट है ग्लूकोज या फ्रक्टोज इसकी उपस्थिति में सी टू एच फाइव में परिवर्तन होना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस इनकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसकी उपस्थिति में इनमें से किसकी उपस्थिति में क्या बना देता है एल्कोहल बना देता है और यहाँ पर मैं कहूँगा कि एल्कोहल मतलब जाम और यहाँ पर यूज़ किया जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ग्लूकोज और फ्रोक्टोज से क्या बनाते हैं एल्कोहल बनाते हैं तो यहाँ पर यूज लिया जाता है जाइमेज एंजाइम कौन सा एंजाइम जाइमेज एंजाइम और ये किस में कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है तो इसका सही ऑप्शन है बी टिंडल प्रभाव तभी दिखाई पड़ेगा जब निम्न शर्तें संतुष्ट होती हैं टिंडल प्रभाव तभी दिखाई पड़ेगा जब निम्न शर्तें संतुष्ट होती है कौन कौन सी शर्तें संतुष्ट होती हैं इसके लिए परिक्षेपित कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग देरी की तुलना में बहुत छोटा हो या परिक्षेपित कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दे की तुलना में बहुत छोटा नहीं हो या परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की अपवर्तनांक परिमाण लगभग एक हो या फिर परिक्षेपित प्रावस्था तथा परीक्षेपण माध्यम अपर्तनाक परिमाण बहुत भिन्न हो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो है बी ऑप्शन इसका सही है कि परिक्षेपित कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दे की तुलना में बहुत छोटा नहीं हो तभी दिखाई पड़ेगा एंजाइम होते हैं एंजाइम क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं या इनमें से कोई नहीं होते हैं एंजाइम किसको कहते हैं तो जो भी प्रोटीन होते हैं एंजाइम क्या होती है प्रोटीन और हमारी बॉडी में ये कैटलिस्ट का काम भी करते हैं जीवों में ये एंजाइम एंजाइम जो है उत्प्रेरक का काम करते हैं एंजाइम टाइलिन जो भोजन पाचन में सहयोग देता है किसमें उपस्थित रहता है टाइलिन एंजाइम जो भोजन के पाचन में सहयोग देता है टाइलिन एंजाइम कहाँ उपस्थित होता है तो टाइलिन जो होता है हमारी लार में उपस्थित होता है इसलिए कहते हैं कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए आराम से तभी भोजन का पाचन जो है अच्छे से होगा तो यहाँ पर लार मिक्सि मिक्स होनी हो जानी चाहिए है ना तो उसमें क्या है टाइलिन एंजाइम है दूध है एक क्या है सॉल है जेल है पायस है मिश्रण है अभी बताया था दूध तो एक पायस है डबल रिपीट हो गया ये कोलाइडी कणों में कौन सा गुण कोलाइडी कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है स्कंदन विद्युत कण संचलन टिंडल प्रभाव या विद्युत परासरण? है ना कोलाइडी कणों का कौन सा गुण कोलाइडी कण के आवेश पर डिपेंड नहीं करता है तो जो टिंडल इफेक्ट है ये इसके ऊपर कौन सा आवेश है उसके ऊपर कुछ कोई मतलब नहीं कोई, कोई फर्क नहीं पड़ता कोलाइडी कणों का कौन सा गुण कोलाइडी कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता तो टिंडल इफेक्ट बाकी सभी डिपेंड करेंगे गोल्ड नंबर दर्शाता है क्या दर्शाता है भैया गोल्ड नंबर दर्शाता है क्या दर्शाता है गोल्ड नंबर कोलाइड पार्टिकल होते हैं उनकी रक्षण क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए गोल्ड नंबर का यूज किया जाता है संरक्षण क्षमता ठीक है तो कोलाइड संरक्षण शक्ति के लिए गोल्ड नंबर का यूज किया जाता है गोल्ड नंबर का यूज किया जाता है कोलाइडो की रक्षण रक, को रक, रक्षी कोलाइड की मात्रा मिलाते हैं ताकि जो है कोलाइडी पार्टिकल का स्कंदन न हो नेक्स्ट है आपका एक कोलाइड का शुद्धिकरण किया जाता है किससे किया जाता है कोलाइडो का शुद्धिकरण के लिए अपगढ़ द्वारा पेप्टिकरण द्वारा अपोहन द्वारा निशें प्रवाह द्वारा तो यहाँ पर जो है अपोहन द्वारा अपोहन द्वारा क्रिया द्वारा कोलाइडो का क्या किया जाता है शुद्धिकरण किया जाता है कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण है कोलाइडी कणों द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने का कारण है क्या कारण है भैया कि कोलाइडी पार्टिकल जो है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं पहला पॉइंट प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश का ध्रुवण या प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं कोलाइडी पार्टिकल तो प्रकाश का प्रकीर्णन निम्न में से जल विरोधी विलयन कौन सा है जितना ज्यादा आपने थ्योरी पढ़ी होगी उतना जल्दी आप आंसर दे पाओगे निम्न में से जल विरोधी विलियन कौन सा है जल विरोधी विलियन कौन सा है तो जल विरोधी विलियन स्टार्च विलियन नहीं है गोंद भी नहीं है प्रोटीन विलियन भी नहीं है जल विरोधी विलियन है ना तो यह है ए एस टू एस थ्री द्रव विरोधी कोलाइड बनाएगा ये ए एस टू एस थ्री जल के साथ तो ए एस टू एस थ्री विलियन ये जल विरोधी विलियन हो जाएगा कोलाइड विलियन में कौन से गुण से कणों पर चार्ज की प्रकृति का ज्ञान हुआ विद्युत कण संचलन विद्युत विद्युतकरण संचलन विद्युत विद्युतकरण संचलन प्रभाव में क्या होता है कि यू शेप की ट्यूब ली और उस ट्यूब में एक तरफ लगाया कैथोड और एक तरफ लगा दिया एनोड ये लगा दिया मैंने एनोड और ये हैं इधर लगा दिया मैंने माना कि कैथोड कैथोड तो जो पॉजिटिव पार्टिकल होंगे वो किधर की ओर गति करेंगे कैथोड की ओर और, और जो नेगेटिव पार्टिकल होंगे वो किधर की गति और गति करेंगे एनोड साइड की ओर तो कोलाइड क्वालियन में कौन सा गुण गुण से कणों पर चार्ज की प्रकृति का ज्ञान हुआ तो विद्युत विद्युतकरण संचलन से विद्युत विद्युतकरण संचलन से अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है इक्कीसवा क्वेश्चन दूध है दूध क्या है वसा का जल में परिक्षेपण दूध क्या है वसा का जल में परिक्षेपण है दूध वसा का जल में परिक्षेपण निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ द्रव से नहीं सॉल्व बनाने के लिए प्रयोग नहीं होता है धातु सल्फाइट डी वाला डी वाला स्टार्च गोंद जिलेटिन इसके बाद में धातु सल्फाइड आ रहा ये वाला दूध का उदाहरण है क्या है दूध का पायस का वापस रिपीट है दूध क्या है पायस का दूध पायस का उदाहरण है ओके दूध पायस का उदाहरण है कोहरा एक कोलाइडी निकाय है कोहरा एक कोलाइडी निकाय है तो गैस के अंदर क्या है जब द्रव की बूंदे आ जाए तो वो क्या हो गया कोहरा हो गया तो गैस में द्रव का कोलायडी निकाय है भौतिक अधिशोषण में गैस की सतह पर गैस के अणु बंधे रहते हैं रासायनिक बलों द्वारा स्थिर विद्युत बलों द्वारा गुरुत्वीय बलों द्वारा या वाण्डर बलों द्वारा किसके द्वारा तो भौतिक अधिशोषण में गैस के सतह पर भौतिक अधिशोषण गैस के अणु बंधे रहते हैं गैस के अणु आपस में बंधे रहते हैं वाण्डर फोर्सेस के द्वारा वाण्डर बलों के द्वारा बंधे रहते हैं डी वाला ऑप्शन इसका सही है चलिए निलंबन वास्तविक विलियन और कोलाइड विलियन के कणों का आकार होता है निलंबन कोलाइड और वास्तविक विलियन के कणों का आकार होता है ठीक है तो यहाँ पर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा जो आकार होता है निलंबन निलंबन में सबसे बड़ा आकार होता है फिर कोलाइडी पार्टिकल और वास्तविक विलियन में पार्टिकल का आकार सबसे छोटा होता है तो निलंबन ग्रेटर देन कोलाइड ग्रेटर देन वास्तविक विलियन निम्नांकित में से किसमें टिंडल प्रभाव संभावित नहीं है किसमें टिंडल प्रभाव संभावित नहीं है जल्दी से बताइएगा मुझे निलंबन में कोलाइडी पार्टिकल संभावित हैं किसमें टिंडल प्रभाव संभावित निलंबन में, संभावि में होगा पायस में हो सकता है स्वर्ण साल में होगा शर्करा विलियन में नहीं होगा क्योंकि ये वास्तविक लियन बनाएंगे निम्नांकित में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है कौन सा द्रव स्न कोलाइड है कोलाइड निम्न में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड क्या है कोलाइड है द्रवस् तो गोंद जो है यहाँ पर द्रवस्ह कोलाइड है आगे बढ़े अधिशोषण सिद्धांत निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की, की व्याख्या करता है अधिशोषण सिद्धांत निम्नांकित निम्नांकित में निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की, की व्याख्या करता है सम्मांगी उत्प्रेरण विषमांगी अम्ल शारक या एंजाइम उत्प्रेरण तो अधिशोषण जो है भैया ये विषमांगी उत्प्रेरण विषमांगी उत्प्रेरण के ऊपर डिपेंड करता है अधिशोषण सिद्धांत निम्न में से किस प्रकार की उत्प्रेरण की व्याख्या करता है तो विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है स्वर्ण संख्या का संबंध है किससे है कोलाइड से है ना कोलाइडी पार्टिकल के बारे में स्कंदन की क्षमता को और कोलाइडो की रक्षण शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए अपन जो है स्वर्ण संख्या का प्रयोग करते हैं कोलाइड विलियन का उदाहरण है इनमें कोलाइड विलियन का उदाहरण बता दो भैया कौन सा है दूध है कोलाइड विलियन को का उदाहरण यूरिया का जले विलियन भी नहीं होगा ये भी नहीं है ये भी नहीं है ये है दूध है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ब्राउनी गति है किसको कहते हैं ब्राउनी गति ब्राउनी गति या जिग जैग गति कोलाइडी पार्टिकल की इस टाइप की जिग जैक गति कैसे भी किसी भी तरह से तो क्या है भैया ब्राउनी गति तो कोलाइडी कणों का टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करना कोलाइडी कणों का टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करना इसी को क्या कहते हैं गति रक्त का शोधन किया जाता है किससे किया जाता है भैया रक्त रक्त का शोधन अपोहन विधि से ए वाला बिल्कुल सही है रक्त का शोधन किससे किया जाता है अपोहन से नेक्स्ट है सल्फर कोलाइड बनाया जाता है किसके द्वारा यांत्रिक परिक्षेपण द्वारा ऑक्सीकरण द्वारा विद्युत निक्षेपण द्वारा तो सल्फर कोलाइड जो है भैया ऑक्सीकरण द्वारा बनाए जाते हैं किसके द्वारा ऑक्सीडेशन द्वारा सल्फर के कोलाइड बनाए जाते हैं भौतिक अधिशोषण के लिए असत्य कथन है भौतिक अधिशोषण के लिए असत्य कथन है पहला ऑप्शन है यह ये वांड्रवास बल द्वारा होता है बिल्कुल होता है आसानी से द्रवित होने वाली गैसें शीघ्र अधिशोषित होती है बिल्कुल होती है उच्च ताप पर बहुआणुमिक परत बनती बिल्कुल बनती है भौतिक अधिशोषण में ये तीनों पॉइंट तो भौतिक अधिशोषण के लिए फॉलो फॉलोअर है अधिशोषण इंथेल कम व धनात्मक होती है ये वाली बात जो है सही नहीं है तो के लिए असत्य कथन है भौतिक अधिशोषण के लिए वाला कथन क्या है असत्य है सत्य नहीं है इंथेल कम और धनात्मक नहीं होती है ऋणात्मक होती है आगे okay. तो आज हमने केमिकल काइनेटिक्स से मतलब रासायनिक बलगति की और सरफेस केमिस्ट्री की एमसीक्यूज की चर्चा करी ये सिर्फ आपका टेस्ट है ये जो एमसीक्यूज हैं क्यूस ये आप कब सॉल्व कर पाएंगे जब आपने थ्योरी अच्छे से मजे से पूरा चैप्टर ढंग से समझा हुआ है चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है तो जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं या लेसन को रीडिंग करते हैं टॉपिक से पढ़ते हैं तो उस टाइम को उसको ध्यान से पढ़िए ताकि अपना नॉलेज टेस्ट इनसे किया जाए ओके तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद